हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी लगभग सुबह के 11:30 से 12 बजे के बीच का समय है, मेरे पे घड़ी नहीं है और मैं थोड़ा सा गोप्रो से ये शूट कर रहा हूँ ब्लॉग को। और दोस्तों ये ब्लॉग तो नहीं है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और वो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड। जितने भी मेरे साथ लड़के जुड़े हुए हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड, क्योंकि मैं कैंप में टीचिंग का काम करता हूं तो कैंप से मेरे साथ बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ अपडेट है जो कि मैं आज आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूं। और ये ब्लॉग नहीं है, वैसे इन्फॉर्मेशन ब्लॉग कह सकते हो आप इसको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, और मैं थोड़ा सा एक अपने घर के ऊपर ये छोटा सा खेत है यहाँ पे आ रखा हूँ इस ब्लॉग को शूट करने के लिए। वैसे यहाँ पे घास वाला खेत है और घास काटी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको आज इस ब्लॉग में ये बताने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी में अब जो है लिखित परीक्षा पहले आ चुकी है और आपका जो फिजिकल होगा वो बाद में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब इंडियन आर्मी में जितने भी लड़के भर्ती होने जा रहे हैं, जिनकी एज 17.5 से 21 साल के बीच है, तो वो तैयारी कर लें और तैयारी कर में जुट जाएं, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। और लगभग जो मेरे तक मतलब अभी इन्फॉर्मेशन पहुंची है दोस्तों, वो पहुंची है कि 10 फरवरी के बाद से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों फॉर्म भरना अगर 10 फरवरी बोला है उन्होंने, तो हो सकता है थोड़ा सा अगर 2-4 दिन लेट भी करते हैं तो अब अप्रॉक्स ये मान के चलो आपकी 20 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। बाकी जो लड़के इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, 4 साल का आपको पिछली बार से पता लग चुका है कि इंडियन आर्मी में अब 4 साल का जो अग्निवीर है वो बन चुका है। तो अगर आप अग्निवीर में 4 साल के लिए जाना चाहते हो तो तैयारी के लिए जुट जाएं दोस्तों। और तैयारी भी सबसे पहले आप फिजिकल को छोड़ करके आप सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि इस बार से रिटर्न पहले होगा, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम पहले होने के चांसेस 90 से 95% हैं, जो कि अभी न्यूज़पेपरों में बोला गया है दोस्तों। न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं इधर साइड से डाल दूंगा, जो भी न्यूज़पेपर की कटिंगें हैं तो आप इधर साइड से देख सकते हो कि इन न्यूज़पेपरों में क्या क्या कहा गया है, और उनके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं दोस्तों। बाकी मैंने वेबसाइट पे भी विजिट किया था, जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है उसमें भी मैं विजिट किया कर चुका हूँ, और उसमें मैंने नोटिफिकेशन भी देखे हैं। वहाँ कोई इस तरीके से अभी कुछ मतलब कोई PDF वगैरह नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो न्यूज़पेपरों में बोला गया है, जो भी तमाम सारे न्यूज़पेपर हैं जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो कि यहाँ पे आते हैं, तो इनमें सभी जो न्यूज़पेपर हैं उनमें यही बोला गया है कि इस बार जो अग्निवीर की परीक्षा होगी वो सबसे पहले रिटर्न होगी, और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और लास्ट में मेडिकल में जो फिट होंगे उन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाएगी। और बाकी दोस्तों मुझे एक इन्फॉर्मेशन और भी मिली है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया है 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है 10 से और 25 फरवरी तक आपके फॉर्म भरने की डेट बताई गई है, यानी कि 15 दिन का समय आपके लोगों के पास होगा कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये मोटा मोटा है, अभी ये बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो आप 10 फरवरी ना लेकर के आप इसको मतलब 25 फरवरी ना लेकर के लास्ट डेट इसको आगे भी ले सकते हो, थोड़ा सा 10-15 दिन एक्सटेंड थोड़ा सा और कर सकते हो। और उसके बाद जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अप्रैल में इनकी रिटर्न की तैयारी है, और अप्रैल में आप ये मान सकते हो लगभग लगभग 20 अप्रैल से लेकर के और लगभग लगभग पूरा अप्रैल मान के चलो आप, इसमें आपके रिटर्न एग्ज़ाम होंगे। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जो दोस्तों जो रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे उनकी जो फिजिकल होगा उनका होगा मई में दोस्तों, और मई 20 तारीख के बाद उनका फिजिकल होने के चांसेस हैं, जो कि न्यूज़ आ रही है मेरे पास, वो आ रही है लैंसडाउन से, और वहाँ पर कुछ जानने वाले हैं वो ये बता रहे थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मई में आपका जो फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो फिजिकल के साथ साथ
आपको एक डेट दी जाएगी, जैसे पिछली बार कोटद्वार में हुई थी मेडिकल के लिए, फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल हुआ था, तो वैसे इस बार फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल हो जाएगा। और जो वहीं पे फ्रेश मेडिकल में निकल जाएंगे उनको तो वहीं पे आप वो मतलब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देंगे या कुछ टाइम देंगे, और टाइम देने के बाद आपको लैंसडाउन बुलाएंगे अगली ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। और जो रेफ़र होंगे उनको देहरादून रेफ़र किया जाएगा, या जिसका जो भी जोन होगा उसमें रेफ़र किया जाएगा। और रेफ़र करने के बाद, ये मैं मतलब उत्तराखंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बाहर की बात भी कर रहा हूँ, और जिसका जो भी जोन होगा उसको वहाँ बुलाया जाएगा, और उसके बाद उनको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे जब मेडिकल में फिट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशनें थी आप लोगों के लिए। और दोस्तों इसके इन्फॉर्मेशन तो मैं सारी आपको बता चुका हूँ कि इस बार रिटर्न पहले होने वाला है, बाकी कुछ हिदायतें मैं आपको देने वाला हूँ अगर आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है तो। तो दोस्तों सबसे पहले फिजिकल तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि फिजिकल आप करते ही रहते हो, जिसमें जुनून है, जोश है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, चाहे वो एक चार साल आए चाहे एक साल के लिए आए। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ अब ये है कि वो रिटर्न की तैयारी करे, और रिटर्न में सबसे ज़्यादा फोकस आप मैथ्स पे करना दोस्तों, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 15 आपके मैथ्स के, 5 रीजनिंग, तो टोटल 20 क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएंगे। तो जिसकी तैयारी आप प्रॉपर अगर कर लोगे तो 20 में से कम आप 15 से 18 के बीच क्वेश्चन आराम से कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल इजी पोर्शन होता है। इजी इसलिए कह इन द सेंस इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स का जो एरिया होता है वो फिक्स होता है, बाकी उसके बाद सेकंड नंबर पे आप साइंस को ले सकते हो, साइंस का एरिया भी कुछ हद तक फिक्स है, और लास्ट में आप जीके पे जा सकते हो, क्योंकि जीके का पोर्शन इतना होता है कि समुद्र जैसा होता है, गहराई में अगर आप चले जाओगे तो वो गहराई कभी ख़त्म नहीं होगी, जीके कुछ इसी तरीके से है। तो दोस्तों आप तैयारी का जो तरीका होगा आपका मैथ साइंस और जीके की तरफ, इस तरीके से आप पढ़ लेना। बाकी दोस्तों आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस बार जो पेपर आने वाला है आप लोगों के लिए वो मतलब बहुत ही टफ भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है दोस्तों। और दूसरी एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो कि रह गई थी, और वो ये थी कि दोस्तों इस बार से जो भर्तियाँ आएंगी, साल में 2 बार अग्निवीर की भर्तियाँ आएंगी, और जो कि उसका टाइम पीरियड भी फिक्स हो चुका है, 1 अप्रैल मई के समथिंग आएगी, और दूसरी आएगी आपके 2 अक्टूबर 2 नवंबर के समथिंग, यानी कि 2 बार वैकेंसी आएगी अब से अग्निवीर की, साल में जैसे पहले आती थी उसी तरीके से आती थी, लेकिन पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस बस यही है, पहले वाली परमानेंट हुआ करती थी, अब वाली 4 साल के लिए होगी दोस्तों। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें एक 20 रुपये का चालान लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो चालान लग करके उसके बाद ऑनलाइन जाओगे तो उसमें भी 100 रुपये कुछ ऐसा चालान है वहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको फ़ीस पड़ेगी, आपसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पड़ेगी, जो कि पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होता था वो अब फीस पड़ेगी आपको, तो वो भी आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रख ले दोस्तों, है ना। तो दोस्तों और इसी के साथ साथ मैं इसमें एक चीज़ और ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह देता हूँ दोस्तों, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था रजिस्ट्रेशन, और उसमें परमानेंट वैकेंसी हुआ करती थी, यानी कि जो लड़का इंडियन आर्मी में भर्ती होता था वो गवर्नमेंट सरकारी होता था बिल्कुल, मतलब जब तक उसकी एज नहीं हुई है तब तक, मतलब उसको पेंशन मिलती थी, पूरे फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अभी जो है पैसा भी लिया जा रहा है और परमानेंट भी नहीं किया जा रहा है, ये सिचुएशन इस सरकार में आ चुकी है। तो दोस्तों इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें और देखें आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग एंड बाय बाय।